मैं तीन बातें पसंद करता हूँ, वे प्रभु और मनुष्यों को प्रिय है, भाइयों का मित्र भाव, पड़ोसी का प्रेम और पति पत्नी का सामंजस्य। मेरा हृदय तीन प्रकार के लोगों से घृणा करता है और मुझे उनके आचरण से चिढ़ है, घमंडी दरिद्र, मिथ्यावादी धनी और मूर्ख एवं व्यभिचारी बूढ़ा। तुमने युवावस्था में जो इकट्ठा नहीं किया उसे वृद्धावस्था में कैसे पाओगे? कितना अच्छा लगता है जब पके बाल वाले न्याय करते और बूढ़े परामर्श देते हैं। कितना अच्छा लगता है जब बूढ़ों में प्रज्ञा होती है और प्रतिष्ठित लोगों में विवेक और सत्य परामर्श। प्रचुर अनुभव वृद्धों का मुकुट है और प्रभु पर श्रद्धा उनका गौरव। मैं अपने मन में 9 बातों की प्रशंसा करता हूँ और 10वीं की भी चर्चा करूँगा। वह मनुष्य जिसे अपने बच्चों में आनंद आता है, वह जो अपने जीवन काल में अपने शत्रुओं का पतन देखता है, धन्य है वह जिसके एक समझदार पत्नी है, वह जो बैल और गधे के जोड़े से नहीं जोतता, वह जो अपनी जीभ से पाप नहीं करता, वह जिसे अपने से छोटे मनुष्य की नौकरी नहीं करनी पड़ती, धन्य है वह जिसे सच्चा मित्र प्राप्त है और वह जो ध्यान से सुनने वालों को संबोधित करता है। वह कितना महान है जिसे प्रज्ञा और ज्ञान प्राप्त है, किंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उससे महान कोई नहीं। प्रभु पर श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ है, जिसे वह प्राप्त है उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। भक्ति प्रभु पर श्रद्धा से प्रारंभ होती है, किंतु मनुष्य विश्वास द्वारा प्रभु से संयुक्त हो जाता है। हृदय के दुख के बराबर कोई दुख नहीं, स्त्री की बुराई के बराबर कोई बुराई नहीं, हृदय के घाव के बराबर कोई घाव नहीं, स्त्री की दुष्टता के बराबर कोई दुष्टता नहीं, बैरियों द्वारा दिए गए कष्ट के बराबर कोई कष्ट नहीं, शत्रुओं के प्रतिशोध के बराबर कोई प्रतिशोध नहीं, सांप के विष के बराबर कोई विष नहीं, स्त्री के क्रोध के बराबर कोई क्रोध नहीं। दुष्ट पत्नी के साथ रहने की अपेक्षा मैं सिंह और पंखदार सर्प के साथ रहना अधिक पसंद करूंगा। स्त्री की दुष्टता उसकी आकृति बदल देती और उसका चेहरा रीछनी की तरह काला बना देती है। उसका पति पड़ोसियों के बीच बैठकर अनजान में आह भरता है। स्त्री की दुष्टता की तुलना में हर दुष्टता छोटी है, उसे पापियों की गति प्राप्त हो। शांति प्रिय पति के लिए बकवादी पत्नी बूढ़े के पैरों के लिए रेत के चढ़ाव के समान है। स्त्री के सौंदर्य के जाल में मत फंसो और स्त्री का लालच मत करो। यदि पत्नी पति का भरण पोषण करती है तो यह पति के लिए कठोर दास्ता और कलंक है। टूटा हुआ दिल, उतरा हुआ चेहरा और मन की व्यथा या दुष्ट पत्नी का परिणाम है। पति के निष्क्रिय हाथ और कांपते पैर या उस पत्नी का कार्य है जो अपने पति को सुख नहीं देती। स्त्री के द्वारा पाप का प्रारंभ हुआ था, हम सब उसी के कारण मर जाते हैं। पानी नहीं बहने दो और दुष्ट पत्नी को बोलने की छूट मत दो। यदि वह तुम्हारे हाथ के संकेत पर नहीं चलती तो तुमको अपने शत्रुओं के सामने लज्जित होना पड़ेगा। तुम उससे अलग हो जाओ और उसे उसके अपने घर भेज दो।